नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिल्ली के आजादपुर मंडी से निकला संक्रमण हरियाणा के ग्रीन जोन झज्जर में इस कदर फैल गया है कि एक ही दिन में वहां पर 11 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों को देख करके फतेहाबाद के लोग भी आशंकित नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो जाए। इस आशंका के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि फतेहाबाद में आने वाले फल और सब्जियां देश के प्रमुख रोड जोन में शामिल हैं और वहां पर महाराष्ट्र, इंदौर, गुजरात और तेलंगाना से ये फल और सब्जियां आ रहे हैं, जहां पर कोरोना का हॉटस्पॉट माना जा रहा है। इन इलाकों से आने वाला फ्रूट ट्रकों के माध्यम से देर रात मंडी पहुँचता है और अल सुबह ही ट्रक चालक मंडी से चले जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के DCMO का मानना है कि हॉटस्पॉट इलाके में फ्रूट से लेकर के कोई भी वस्तु अगर वहां से आती है तो वो खतरनाक हो सकता है। यदि कोई ट्रक ड्राइवर, हेल्पर या फिर सामान संक्रमित हुआ तो वह बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। उन्होंने बताया कि हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है, पिछले दिन भी फतेहाबाद की सब्जी मंडी में 125 के करीब सैंपल लिए गए थे और आज भी लिए जा रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन और अधिकारियों ने बताया कि इस बात को देखते हुए हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत 8 बजे से सब्जी मंडी के गेट बंद किए जाते हैं। इसी बीच जो वाहन फल और सब्जी लेकर के आता है उन्हें मंडी के बाहर ही खड़ा किया जाता है। सुबह एक एक सब की स्क्रीनिंग की जाती है और फिर ही मंडी में प्रवेश किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रूट को लेकर के लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। सब्जी मंडी में जो ट्रक्स वगैरह जो लोड होके आ रहे हैं फ्रूट्स के, वो हमारे महाराष्ट्र, गुजरात और ये हिमाचल से और कुछ तेलंगाना से बता रहे हैं कि वहाँ से फ्रूट्स हमारे लोड होके आ रहे हैं। तो उनकी स्क्रीनिंग तो अभी स्टार्ट की हुई है कि हमने SDM साहब ने भी यहाँ पर टेंट लगवा कर अपने रेड क्रॉस से भी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम भी लगा दी है कि जो यहाँ पर आने जाने वाले जो भी ड्राइवर्स हैं और जो सिम्टोमेटिक जितने भी अंदर घुसते हैं उनकी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। तो जो लक्षण पाए जाते हैं उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही है। कल भी 128 सैंपल लिए थे और इसी तरह हर सब्जी मंडी में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को भी आदेश कर दिए कि भाई सभी की स्क्रीनिंग की जाए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो ट्रक्स हैं जो बाहर से, सबसे ज़्यादा खतरा ये रेड जोन जिसको बोलते हैं, ये बाहर दूसरे स्टेटों से जिनके अंदर जो कोरोना ज़्यादा पॉजिटिव आया हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र है और कई दूसरे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, उन स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, तो ये सब्जी मंडी में और अनाज मंडी में भी ट्रक्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा बना हुआ है। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बताया था कि ये ट्रक्स हैं ना जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं इनको रोका जाए, परंतु जो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बताया कि हम उनको रोक नहीं सकते हैं। तो उसके तहत हमने यहाँ स्क्रीनिंग करना लोगों का ज़्यादा उचित समझा, तो हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। सर, जो फल फ्रूट आ रहे हैं लगभग हॉटस्पॉट का एरिया ही कोरोना एरिया समझा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जो हॉटस्पॉट इलाकों में जैसे महाराष्ट्र से आ रहा है इनका केला आ रहा है और तेलंगाना से आम आ रहा है और नींबू आ रहा है ये गुजरात से, तो इस प्रकार इन लोगों का वैसे खतरा तो है, ये 100% खतरा है। तो हमने इनको कहा है कि सेफ डिस्टेंसिंग बना के रखिए, जो बाहर से ट्रक्स वगैरह आते हैं और यहाँ के जो लोकल आदमी हैं उनको 1.5 से 2 मीटर का फैसला कम से कम, जो रेड जोन वालों से कम 2 मीटर का फैसला बना के बात करिए और जो रेड जोन के नहीं हैं उनसे कम 1 से 1.5 मीटर का फैसला बना के बात करिए। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी सर, अगर ऐसे सामने आते हैं मामले? स्वास्थ्य विभाग के तो सेफ डिस्टेंसिंग का बताया है हमने, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग का बताया है, बार बार हाथ धोते रहें, और जो बाहर से जैसे रेड जोन से आते हैं तो उन लोगों को पहले ही स्क्रीन करके और उनको सारी हिदायतें दी जाएं कि भैया ऐसे कोरोना हमारे इलाके में नहीं फैलने पाए, तो उनको मास्क लगाना और 2 मीटर की दूरी से बात करना, बार बार हाथ वॉश करना और
जो हाथों को नाक मुंह गले के आँखों के बार बार ना लगाएं, तो ये सारी हिदायतें उनको देनी पड़ती। अब तक कितना कोरोना पे काबू पाया गया जांच? हमारे फतेहाबाद में तो कोई भी अभी तक एक भी केस नहीं है। तो हमने पूरा अभी तक तो पूरा कंट्रोल करके रखा है। सब्जी मंडी फतेहाबाद में जो बाहर से आ रहे हैं ट्रक और जो भी व्हीकल चाहे लोकल गांव से आ रहे हैं, रात को 8 बजे गेट बंद कर देते हैं सब्जी मंडी का, और उसके बाद सुबह 4 बजे खोलते हैं गेट। तो जो भी बाहर से आते हैं उन सारों को एक लाइन में लगा के सुबह 4 बजे जब मंडी खोलते हैं तो सबके एक एक ट्रक के ड्राइवर की स्क्रीनिंग करके और उनको सैनिटाइज करके फिर ही अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं मंडी। और आरती भी जो है अपनी जो सब्जी मंडी के व्यापारी है वो भी पूरी तरह जो ट्रक उनके जो उतरने आता है वो भी उनका सैनिटाइज करते हैं पूरा अच्छी तरह, तो उसके बाद ही उनको उतारने हैं। क्योंकि तो इससे क्या है कि किसी प्रकार का जो बाहर से जो आ रहे हैं किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए मतलब इस तरह का जो कदम उठाया गया। जैसे जो रेड जोन वगैरह से जो एरिया से आ रहे हैं सभी मान लो ट्रक ड्राइवरों की स्कैनिंग की जा रही है? हाँ बिल्कुल, सभी जितने भी ट्रक ड्राइवर की तो की जा रही है, उसके साथ जो लोकल गांव से इधर जैसे नज़दीक के जो गांवों से आ रहे हैं जो व्हीकल उनके ड्राइवरों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इनको स्क्रीनिंग करके फिर ही अंदर प्रवेश करने को दे जा रहा है। और सैनिटाइजर वगैरह सर? हाँ हाँ, सैनिटाइजिंग वो सारी जो है मास्क वगैरह लगा के जाए अंदर। और उनको ये भी बोला कि अगर मान लो कोई मास्क नहीं है किसी के पास तो वहाँ ही हमारे काउंटर पे बैठे हैं कर्मचारी, उनके मास्क भी है।